अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन कैसे करते हैं। इसके लिए हम जो जानते हैं कि समाचार कौन लिखता है, पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर, ये हम जानते हैं। जो भी अखबार होता है तो उपलब्ध है, इसमें दो प्रकार के पत्रकार होते हैं, एक अंशकालिक और एक पूर्णकालिक। वही पत्रकार समाचार को लिखते हैं जिनको संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। कभी घटनास्थल पर सीधे पहुंच जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कभी किसी के माध्यम से संवाददाता के तौर पर पहुंचते हैं और समाचारों का स्वरूप उनको देते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है आपको करना है, अपनी पसंद के किसी भी समाचार में से 5 समाचार सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। इनमें कितने समाचार उल्टा पिरामिड से में लिखे गए हैं, क्या आपको लगता है कि समाचारों में सूचना घटते हुए मात्रा में लिखी गई है, हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं, आपको क्या लगता है पैराग्राफ की संख्या कम या अधिक है, क्या आपको समाचार में गैर जरूरी डायलॉग पैराग्राफ बता सकते हैं। कोशिश कीजिए और बताइए कि आपने गैर जरूरी डायलॉग पैराग्राफ चुनाव किस आधार पर किया। अगर आप ऐसा करते हैं आपको समाचार लेखन की जो बेसिस आपको मैंने पढ़ाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, उन पर आप एक प्रकार से काम कर पाएंगे। अब जो समाचार कैसे लिखे, ये जो हमने ये पैराग्राफ देखा, इसके दो प्रकार के, एक सीधा पिरामिड शैली या कथात्मक लेखन, दूसरा उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन शैली। ये दो प्रकार की शैलियां हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन की ओर ना जा करके मैं सीधे आपको इस जो दो पिरामिड बने हुए हैं, सीधा और उल्टा, इन पिरामिड्स को समझाता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सही? ये सारे ओके, तो ये पिरामिड आप जानते हैं, मैं अपने आपने पढ़ा होगा पिरामिड, पिरामिड पढ़ा होगा इसमें। यस सर। तो यहाँ पर जो ये पिरामिड है, सीधा पिरामिड, इसको बोलते हैं कथात्मक लेखन। इस प्रकार की शैली में कहानियां लिखी जाती हैं और इस प्रकार की शैली में समाचार लिखे जाते हैं। कारण इन दोनों को स्पष्ट कैसे करें, समझे कैसे, यहाँ छोटी बातें, थोड़ी महत्वपूर्ण बातें और लास्ट में डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ समझ आता है। कोई फिल्म होती है तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कहानियां, मैक्सिमम मूवी कम जानकारी से शुरू होती हैं और आगे बढ़ते 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 पूरी जानकारियां उसके बारे में आ जाती हैं जो लेखक फिल्म में कहना चाहता है। ठीक है, जैसे बाहुबली मूवी में शुरुआत में आपने देखा, ज्यादा समझ नहीं आया, फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया गया, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, छोड़ते रहो आंसर। उसका दूसरा पार्ट आया, तब पता चला बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो क्या था, कथात्मक लेखन, सीधा पिरामिड से भी पहले कम जानकारी देख के बाद में विस्तृत जानकारी दे देते हैं। ठीक है, ये कथात्मक लेखन या कहानी लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन। ठीक है, लेकिन जो समाचार लेखन शैली है वो इसकी जस्ट उल्टा होती है। वो कैसी होती है, उल्टा पिरामिड शैली। किसी भी समाचार को आपको अखबार में देना है, पत्रिका में देना है, चैनल में देना है, किसी न्यूज चैनल में देना है, कहीं भी देना है, तो उसको इस शैली में लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे, समाचार या किसी घटना की सारी जानकारी इंट्रो में दे दी जाती है। ठीक है, ये इंट्रो, बॉडी, समापन। जो कोई भी इंट्रो है, इंट्रो मतलब जैसे किसी भी समाचार का ऊपर शीर्षक, शीर्षक को बोला जाता है इंट्रो समाचार की भाषा में। तो इंट्रो मतलब होता है किसी सूचना, किसी समाचार के हेडलाइन या टैगलाइन। अगर टैगलाइन ही स्पष्ट नहीं है, हेडलाइन ही स्पष्ट नहीं है, समाचार समझ में नहीं आएगा। अगर हमने समाचार का मुखड़ा, इंट्रो या हेडलाइन पढ़ लिया, तो फिर हमको समाचार पढ़ने की जरूरत
नहीं होती है, ऐसा हेडलाइन चुनते हैं पत्रकार। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी देते हैं तो समाप्त करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है कथानक लिखन, कहानी लिखन, ठीक है। कम स्पष्ट बातें ऊपर होती हैं, ज्यादा स्पष्ट बातें बीच में होती हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सबसे नीचे होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या आएगी तो इसको बता देंगे। ये उल्टा पिरामिड शैली ही का विकास हुआ, धीरे धीरे लेखन शैली या संपादन के सुधार कारण ये समाचार शैली एक मानक स्टैंडर्ड बन गई। इसी शैली पर ही सूचनाएं अखबार छपी जाएंगी। अगला आता है समाचार लेखन और उनकी छह प्रकार के प्रकार, जो भी मैंने इस बार शुरुआत की थी मैंने बताया था कि छह प्रकार के प्रकार भी इसमें पढ़ने वाले हैं। वो प्रकार कौन कौन से होंगे बोलिए। किसी भी समाचार को लिखते वक्त अगर हमारे मन में ये चार प्रश्न नहीं, सॉरी छह प्रश्न नहीं है, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये छह प्रश्न हमारे मन में नहीं उठेंगे तो हम एक अच्छे समाचार लेखक नहीं होंगे, अच्छा समाचार बनेंगे। कारण क्या है इनका, इन प्रश्नों को उठने का? देखिए किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कोई भी समाचार बनता है वो छह प्रश्नों को लेकर चलता है, जैसे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। क्या, किसके, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, इन्हीं को छह प्रकार कहा जाता है। किसी भी घटना या समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन छह प्रकारों को ध्यान में रखा जाता है। अगर ये उनमें से कुछ प्रकार गायब हो गए तो आपका समाचार प्रभावी समाचार नहीं बनेगा। समाचार तो बनेगा लेकिन जो प्रभावी समाचार है वो नहीं दे पाएगा। समाचार के मुखड़े इंट्रो को पहले पैराग्राफ या शुरुआती दो तीन पंक्ति में आमतौर पर तीन या चार प्रकारों का आधार बनाकर लिखा जाता है। इसे क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, कौन और क्यों को हम अंदर रखते हैं व्याख्या में, कौन और क्यों को व्याख्या में रखते हैं, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इनको हम इंट्रो में रख देते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार हैं, क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में समाचार के पहले बाकी दो प्रकारों कैसे और क्या का जवाब दिया जाता है। इस तरह छह प्रकारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले चार प्रकार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक और तत्वों पर आधारित होते हैं, जबकि दो बाकी जो होते हैं कैसे और क्यों में प्रेरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है, अतः उनको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इसमें पहले जो इंट्रो बनेगा, गुरुवार की शाम उत्तर पश्चिम मास्को का मास्को बाजार में चार आम नागरिक, चार मरे और 29 आम नागरिक माने गए। जो समाचार बनेगा, उत्तर पश्चिमी मास्को के पाव मास्को बाजार में गुरुवार के शाम छह रहने से चार लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए, ये इंट्रो हो जाएगा। समाचार की बॉडी कैसे हुई और क्यों हुई, कैसे और क्यों का उत्तर बॉडी में आएगा। छत पर बर्फ जम गई थी, बर्फ का भार ज्यादा हो गया था, छत सहन नहीं कर पाई तो छत ढह गई, आतंकवादी घटना ने इसने बम फोड़ दिया था, कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया इंट्रो, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन चार इंट्रो में ये चार प्रश्न आ रहे हैं, क्या, कौन, कब और कहां, कैसे और क्यों, ये एक्सप्लेनेशन करेंगे, बॉडी में आएगा, ठीक है।
इसके साथ हम कभी कभी समाचार पत्र इनके स्रोतों के बारे में भी चर्चा कर देते हैं, ये समाचार हमारे पास कहाँ से आया। आपात मामलों में मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया कि मलबे के नीचे कभी थोड़ा ढूंढा है, धो रहे हैं, गा रहे हैं, अर्थात उसके बारे में डिस्कशन दे दिया, उदाहरण दे दिया, स्रोत दे दिया, किस मंत्री ने किया, जिम्मेदार अधिकारी ने, किस जिम्मेदार नागरिक ने, उनके बारे में क्या बात होती है। ठीक है, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखले में फिल्टरों में चार आकारों का प्रयोग किया गया, जानकारी दी गई। उसके बाद तीन पैराग्राफों में दो अन्य आकारों कैसे क्यों के जरिए दुर्घटना पर रोशनी डाली गई, उसके एक्सप्लेनेशन दिया गया, सारा कुछ बताया गया। उसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, कोशिश करते हैं काम हो जाएगा। फीचर, फीचर लेखन क्या है और पत्रकारी लेखन, इन दोनों में अंतर क्या है। फीचर लेखन किसे कहते हैं, फीचर लेखन आपने किया होगा 10th में, 11th में किया है या नहीं, रितेश? यस सर, फीचर लिखा है 10th में, 11th में? यस सर, रिपोर्ट राइटिंग को कहते हैं क्या? पिछली तो बताओ, हिंदी में लेख लिखे हो क्या सर? कोई बता सकता है फीचर क्या है? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है, कोई बच्चा क्या बता सकता है कि फीचर क्या होता है? आदित्य, आदित्य सर, फीचर्स को हिंदी में विशेषताएं बोलते हैं। नहीं, बोलिए ये सर। सर, फीचर लेखन में जो रिपोर्टर होता है या पत्रकार होता है, तो सर वो अपने व्यूज भी डालता है उसमें, ताकि लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। फीचर होता क्या है? समाचार जैसा ही है सर। सर, आर्टिकल राइटिंग हो सकता है? आर्टिकल, यस सर। फीचर होता है, ओके, फीचर होता है किसी भी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे आपने समाचार पत्रों में संपादकीय लेखन पढ़ा होगा, ठीक है, संपादकीय लेखन में नीचे परिशिष्ट होता है, अभी उसको पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। और उसमें परिशिष्ट में किसी एक व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष या कार्य विशेष के बारे में एक प्रकार की रिपोर्ट बनाई जाती है, और वह रिपोर्ट सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। वह लेखन सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, जैसे समाचार सिर्फ इस पर आधारित होता है, तथ्यों पर, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, ठीक है, ये तथ्य बात करते हैं, ठीक है। अगर तथ्य नहीं होगा तो हम हवा पर कोई घटना घटित नहीं करा देंगे, ठीक है। लेकिन जब फीचर लिखा जाता है तो इसमें फीचर लेखक या पत्रकार तो जो भी फीचर लिखता है इसमें अपने विचार डाल सकता है, अपने व्यूज डाल सकता है, कुछ सोच सकता है, अपने मनोभावों में जो उसके मन में प्रकट होता है वो डाल सकता है, ठीक है। जैसे देखें, हम समाचार कई तरह से छपता है, पत्रकारिता लेखन है, पत्रकार लिखते हैं, ये फीचर प्रमुख है।
समाचार और फीचर के बीच अंतर एक समझ लें। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है, पहले लाइन स्पष्ट कर दिया। केवल इसका उद्देश्य सूचित करना नहीं होता, इसका उद्देश्य क्या होता है? सूचित करना, सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। तभी आपने अखबार पढ़ा हो तो संडे का अखबार देखा है, संडे का अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? फिर मैं पढ़ता हूँ, संडे का अखबार मिलता है उसमें तो शिक्षा पे जाते हैं। सर वो मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ उसका, द हिंदू का। सर इंग्लिश न्यूज़पेपर। कभी आपने देखा हो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इनमें संडे को एक एक्स्ट्रा पेज आता है फिल्मों का, कुछ लेख होते हैं या उसी में पेज जोड़ देते हैं मनोरंजन का, बच्चों का स्पेशल। तो उसका पर्पस क्या होता है? उसमें किसी फिल्म के बारे में रिव्यू आता है, कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में रिव्यू आता है, किसी की जयंती होती है, किसी का जन्मदिन होता है, उनके बारे में रिव्यू आता है। वो क्या है? परसिस्ट लेखन है। और उसके बारे में फीचर लेखन है, फीचर लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि वो समाचार सिर्फ तथ्यों पर आधारित हो, वो लेख सिर्फ तथ्यों पर बात करता हो, वो लेखक का अपना विचार हो सकता है, संपादक का अपना लेख हो सकता है, आत्मनिष्ठ लेखन है। क्योंकि इसमें कहा है फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक, खुद से सृजन किया होगा, खुद से बनाया गया, और आत्मनिष्ठ लेखन खुद का, खुद बनाया उसने, कहीं से उठाया नहीं, कहीं से कोई तथ्य नहीं लाया, खुद लिखा हुआ। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, तात्कालिक घटनाक्रम नहीं बताता, किसी व्यक्ति किसी स्थान किसी पुराने इतिहास, जैसे वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, अभी टोक्यो ओलंपिक शुरू होगा, ओलंपिक शुरू होने के पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले आप देखते हैं तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है अखबारों में, 25 दिन से, 24 दिन से, 21 दिन से, 20 दिन से, 18 दिन से आता है, और उसमें पुराने इतिहासों के पन्ने पर पलटने लगे जाते हैं, किस वर्ष में कौन सा खिलाड़ी ने क्या किया, किस वर्ष कितने पदक आए, किस वर्ष क्या होगा, सारा इतिहास बताने। तो वो क्या है? वो सारी घटनाएं, वो सारी सूचनाएं सिर्फ आपको सूचित की जाती हैं और तथ्यों पर आधारित, वो जो तथ्यों पर आधारित होगी, किसी कहानी का, किसी खिलाड़ी का इतिहास आया, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, कुछ बात तथ्यों पर, कुछ ऐसी लेखक के आत्मनिष्ठ लेखन की ओर इशारा करती है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में बस निष्ठा और तथ्यों पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर अपने विचार नहीं जान सकता, लेकिन फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण या भावनाएं व्यक्त करने का अवसर होता है, वो व्यक्त करता है। दूसरी बात, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी वो समाचार नहीं है, जो कथानक शैली है, कहानी शैली है, उसमें प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। तीसरी बात, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। कहानी लिखी जाती है, रिपोर्ट लिखी जाती है। अगली फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी चलती है। जो सपाट बयानी मतलब जो कहना है साफ साफ कहना है, ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन नहीं, सपाट बयानी साफ साफ नहीं कहते, कुछ घुमाकर साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते, साहित्यिक लेकिन सरल भाषा का प्रयोग करते, कुछ उल्टा पुल्टा, सपाट बयानी नहीं चलती है। इसमें इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा और शैली के अलंकारिक और द्रुत बना दिया जाए, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा ग्रामेटिकल पोर्शन डाल दिया जाए कि वो पाठक समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं होता है। अगली बात, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, जैसे समाचार पत्रों में शब्दों की अपनी एक सीमा है, क्योंकि आपको इतना सा बॉक्स मिला है 10x3 और 10x3 में ही आपको समाचार प्रसारित करना है, अगर उसमें से छुपाता है तो आप शब्द कम करिए,
वर्ड्स कम करिए, लाइन कम करिए, जैन कम करिए, वो सब करना है आपको उतने में, ऐसा नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। जब आप अखबारों के फीचर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 250 शब्द से लेकर के लगभग 2 से 2500 शब्दों की सीमा तक वो फीचर लिखी जाती है। चलिए टाइम को देते हैं, लगभग 4-5 मिनट और हो गया है, तो मैं आपको जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो फीचर के बारे में बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगली क्लास में शेयर करेंगे। फीचर कैसे लिखते हैं वो भी बात करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि किसी व्यक्ति पर, किसी घटना पर ऐसे फीचर्स लिखे जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल हम अपनी खेती की ओर फेरी लाल जो लिखे हुए ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे, वो हम सारी बातें अगली क्लास में शेयर करेंगे। ओके बच्चों? यस सर।